दोस्तों आज की इस वीडियो बात करेंगे मिस्टर मिंट के बारे में एंड इसकी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। आपको उसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, स्कैम तो नहीं है, सब कुछ इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो को देखें एंड तक, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इनकी वेबसाइट के डेटा को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मिस्टर मिंट डॉट आईओ इनकी वेबसाइट है एंड आप वेबसाइट को खुद भी विजिट कर सकते हैं। हालांकि इनकी मल्टीपल वेबसाइट है क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं इनके पास, इनके इकोसिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं एंड उनकी अलग अलग वेबसाइट है। इनको 2024 के अंदर बेस्ट इमर्जिंग क्रिप्टो स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला हुआ है। हालांकि कोई वीडियो कोई फोटो यहाँ पर शो नहीं किया गया है। एंड बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स के अंदर मिंट फोर्स, एनएफटी मार्केट प्लेस, स्टैक मिंट, स्पोर्ट मिंट और भी काफ़ी प्रोडक्ट आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इस तरह के प्रोजेक्ट मार्केट में पहले भी आ चुके हैं। जिनके पास इकोसिस्टम होता है उसके अंदर काफ़ी प्रोडक्ट होते हैं। इनका काम क्या है मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने स्टैक मिंट को ज्वाइन किया, उसमें इन्वेस्टमेंट किया एंड इन्होंने जितना भी वहाँ पर रिटर्न लिखा हुआ है उतना देना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही सिस्टम थोड़ा पुराना होता है, स्टैमिन थोड़ा पुराना होगा, तो फिर ये नया प्रोडक्ट लेकर आ जाएंगे मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट का, क्या आप अब इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे वो पुराना होगा फिर नया लेकर आ जाएंगे, क्या आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि जितने भी इनके प्रोडक्ट होते हैं सब अलग अलग फील्ड के होते हैं। जैसे कि स्पॉट मिंट की बात की जाए, स्पॉट मिंट एक अलग फील्ड है, ठीक है जी, क्रिप्टो का एक अलग फील्ड है। लेकिन MLM के अंदर ये सारे फील्ड को, जो भी अलग अलग फील्ड होते हैं, सबको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं कि भाई आप स्पॉट में भी काम कीजिए, आप क्रिप्टो में भी काम कीजिए। तो कुल मिला के बात है दोस्तों, इनका काम केवल क्या है होता है, आपकी जेब से पैसा निकलवाना। मेरी बात को हजम करने में आपको टाइम लग सकता है लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि अभी आपको पैसा आ रहा होगा। क्योंकि इस वीडियो में हम स्टैक मिंट के बारे में बात करने वाले हैं, आपको पैसा आ रहा हो डेली बेसिस पे एंड आपको अच्छा महसूस हो रहा होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये फिर नया प्रोडक्ट लेकर आ जाते हैं, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलते हैं, फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर ये तीसरा लेकर आ जाते हैं। यानी इनका एक ही मकसद होता है कि आपकी जेब से पैसा कैसे निकलवाया जाए और इनके पास कैसे पहुँचे, ये बोलना चाहता हूँ। और इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब से पहले मैंने बहुत सारे इस तरह के कॉन्सेप्ट देखे हैं, सच बता रहा हूँ। जिनके पास टोकन होता है, इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, बस वो करते क्या हैं, जैसे ही उनके पास फंड कम होने लगता है वो नया प्रोडक्ट लेकर आ जाते हैं मार्केट के अंदर। और ऐसे ही ये करने वाले हैं, लिख लेना आप, फ्यूचर के अंदर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट मिलेंगे जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलेंगे कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आपको इतना मिल जाएगा। और एंड में एक टाइम ऐसा जरूर आता है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं, एक साल, दो साल, तीन साल बाद खत्म होना ही है इनको, क्योंकि जितना रिटर्न देने की बात करते हैं उतना रिटर्न देना पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से खत्म हो जाते हैं। और इनके पास जैसे ही फंड कम होने लगता है फिर नया प्रोडक्ट बना लेते हैं ताकि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें और इनके पास फंड इकट्ठा हो। दोस्तों बात करते हैं पर रोड मैप की, क्योंकि मैंने आपको अभी इनके प्रोडक्ट के बारे में बताया कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं रोड मैप की। जैसे कि रोड मैप के अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन देके रखते हैं कि हम इस टाइम पे ये चीज़ लॉन्च करेंगे, तो आपको ये चीज़ चेक करनी है अगर आप इसमें काम कर रहे हैं कि ये उसी टाइम पे उस काम को कर रहे हैं जो इन्होंने अपने रोड मैप के अंदर मेंशन किया है। इससे आपको ये पता जरूर चल जाएगा कि ये कितने रियल हैं और कितने फेक हैं, इसी से पता चल जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए उन्होंने ब्लॉकचेन लॉन्च करने को बोला कि 2024 के क्वार्टर 2 के अंदर, एग्जांपल ले रहा हूँ कि क्वार्टर 2 के अंदर ये ब्लॉकचेन लॉन्च कर देंगे, लेकिन उसको लॉन्च करने में एक साल निकल गया, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लेना कि ये कितने रियल हैं और कितने फेक हैं। ये एक हिंट मिलेगा आपको, क्योंकि प्रोडक्ट का हिंट मैंने आपको दे दिया है। ये दूसरा हिंट दे रहा हूँ कि रोड मैप के अंदर ये जो भी मेंशन करके रखते हैं क्या उसी टाइम पे उस काम को कर रहे हैं या नहीं, वो चेक करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं टोकनोमिक्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर एक टोकन भी होता है एंड ये फिर मेंशन भी करके रखते हैं कि अपना ये फिर खुद का कॉइन भी लेकर आएंगे, खुद की ब्लॉकचेन भी लेकर आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग ये टोकन से करते हैं क्योंकि लूटने का धंधा यहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको मेरी बात हजम करने में टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी आपको पैसा आ रहा होगा, ऐसा हो सकता है एंड इसलिए आपको मेरी बात पूरी लग सकती है। लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है, और सच्चाई इसलिए है कि क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट पहले आ चुके हैं, टोकन के नाम पर लोगों को लूट के जा चुके हैं। जितने भी टोकन MLM के अंदर आते हैं वो सारे के सारे फेक हैं, याद रखना मेरी बात, जो MLM के अंदर आते हैं वो फेक हैं। MLM के बाहर वाले का मैं कह नहीं सकता
क्योंकि वो किस तरह से प्रमोट करते हैं उनका मुझे नहीं पता, लेकिन जो MLM के अंदर प्रमोट कर रहे हैं टोकन्स को वो टोटली फेक है। उसका क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मिस्टर मिंट का टोकन का नेम है, टैकर नेम है MNT एंड BSC यानी बाइनेंस की स्मार्ट चैन पे इसको डेवलप किया गया है। यहाँ पर इनकी टोकनोमिक्स भी दे रखे हैं कि कहाँ पर कितने यूज़ करने वाले हैं। चलते हैं यहाँ पर BSC स्कैन पर चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वान्टिटी यानी जो उनके होल्डर हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, किसके पास कितनी क्वांटिटी पड़ी है, वो कैसे ये पंपिंग एंड डंपिंग करते हैं यानी प्राइस के साथ कैसे खेलते हैं। स्टार्टिंग में जब ये टोकन आते हैं उसकी हाइप बना कर ये रखते हैं कि आप इतना पैसा लगा दीजिए इसका हाइप बन जाएगा, आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, यानी ये अलग अलग तरीके से आपसे इन्वेस्टमेंट करा लेंगे ताकि जो इनका टोकन है वो उसका जो प्राइस है थोड़ा पंप हो। और आप यहाँ पर क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, 26% एक एड्रेस पे पड़ी है, 17% दूसरे एड्रेस पे है, 13% के आसपास तीसरे एड्रेस पे है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर कितनी सप्लाई है, 67 करोड़ के आसपास इनकी सप्लाई है। एंड यानी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ज़्यादा सप्लाई होती है वो इन्हीं के पास रहती है, तो जब जिसके पास ज़्यादा, सिंपल सी बात है, टोकन और कॉइन होंगे तो वो प्राइस को कभी भी पंपिंग और डंपिंग कर सकता है। ऐसे ही बिटकॉइन के अंदर होता है, जो जिनके पास करोड़ों रुपये होते हैं वो बिटकॉइन के अंदर जैसे डालते हैं उसका प्राइस पंप हो जाता है, जैसे वो निकालते हैं प्राइस डंप हो जाता है। पैसे का ही तो खेल होता है इनके अंदर, तो यही खेल ये खेलते हैं। जैसे ही इनका प्राइस पंप होता है तो ये अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट अपने टोकन के अंदर करवा लेते हैं, चाहे प्रोजेक्ट के थ्रू कराएं चाहे डायरेक्टली कराएं किसी एक्सचेंज के थ्रू, ये अपने टोकन के अंदर आपसे इन्वेस्टमेंट कराएंगे, बाद में इसको डंप करके निकल जाएंगे। और ऐसा हुआ है पिछले काफ़ी सालों में, मैंने बहुत सारे टोकन देखे हैं जिन्होंने ऐसा किया है, लोगों के साथ स्कैम किया है और यह भी करेगा, मैं लिखित में दे सकता हूँ। और दोस्तों जाते जाते मैं एक चीज़ और भी शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पर जो भी टोकन MLM के अंदर आते हैं उनका प्राइस कभी भी पंप अच्छी तरीके से नहीं होता है। स्टार्टिंग में आपको जो दिखेगा उसके बाद आपको डंप ही डंप दिखेगा, एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा क्वांटिटी इनके पास खुद होती है, जैसे इनके पास पैसा इकट्ठा होता है फिर इस प्राइस को डंप करने लगते हैं और फिर जितने भी लोग इसमें पैसा लगाते हैं उनका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों वैसे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन इनके PDF में दी गई है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उसी को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और फालतू चीज़ों को बताना सही नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको बताना ही सही है। स्टैम्प मिंट के बारे में बात करते हैं, स्टैम्प मिंट क्या है और कैसे आपको पैसा दे रहे हैं, क्या देना पॉसिबल भी है, क्योंकि इनके टोकन के बारे में, इनके जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। नए नए प्रोडक्ट आते रहेंगे, नए नए इन्वेस्टमेंट प्लान आते रहेंगे, जो भी इनका टोकन है उसका प्राइस आपको स्टार्टिंग में पंप दिखाई देगा, फिर डंप ही डंप दिखाई देगा लाइफ टाइम तक, जीरो भी हो सकता है, ये भी बात याद रखना। एंड बात करते हैं पैकेज डिटेल की, तो इनके NFT सब्सक्रिप्शन है जहाँ पर आपको कुछ NFTs परचेज करनी पड़ती हैं, वालकर जोगर रनर एंड मैराथनर एंड जिसमें $100 का प्राइस है, $200 का प्राइस है, $400 का है, $500 का है। मान लीजिए आपने $100 यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए तो डेली बेसिस पे 0.50% आपको मिलने वाला है, 0.50%। $200 अगर आप लगाते हैं तो 0.56% डेली मिलने वाला है, $400 लगाने पर 0.62% मिलने वाला है, $500 लगाने पर 0.68% मिलने वाला है। वो बात यहीं तक नहीं रुकती है, $1,000 वाला पैकेज भी है जिसमें आपको 0.74% मिलने वाला है, 2,500 में आपको 0.80% मिलने वाला है, $5,000 में आपको 0.90%, और $10,000 अगर आप लगाते हैं तो 1% आपको मिलेगा। 3-3.5 महीने के आसपास अगर आप $10,000 लगाते हैं तो 3-3.5 महीने के आसपास आपका पैसा रिटर्न, एक साल में 3 गुना से ज़्यादा आपको पैसे दे रहे हैं, क्योंकि आगे उन्होंने चार्ट भी दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो $10,000 वाला पैकेज है उसका एग्जांपल ले लेते हैं, ये $10,000 एक आप समझ सकते हैं कि पैसा टोकन में ही लगने वाला है, लेकिन ये अप्रोक्स ये अमाउंट शो किया गया कि आपको इतना लगाना है टोकन में ही, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो MNT के ऊपर है तो MNT में ही आपका पैसा लगेगा, लेकिन उन्होंने डॉलर में इसलिए शो किया था कि आपको समझने में आसानी हो। तो 20,200 टोकन आपके लगने वाले हैं, एक एग्जाम्पल है ये चार्ट, एक एग्जाम्पल है, एंड 1% आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है डेली बेसिस पे, यानी 202 यहाँ पर कितने डेली MNT टोकन आपको मिलेंगे। अगर इसका प्राइस मान लेते हैं $0.49 है, डॉलर के आसपास है, तो $99 आपको डेली मिलने वाले हैं $10,000 लगाने पर। 365 दिन तक मिलेगा तो 36,128 टोटल USD आपको मिलने वाले हैं, MNT की बात की जाए तो 73,730 MNT आपको मिलने वाले हैं। एक साल के अंदर आपका पैसा $10,000 आपने लगाए 36,128 में बदल जाएगा, कैसे पॉसिबल है? क्यों ये आपको इतना पैसा दे रहे हैं,
क्या इनके पास मशीन लगी है, इनके घर में कोई मशीन है, क्योंकि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहीं पर सो नहीं किया गया है, क्योंकि टोकन पहले भी आ चुके हैं, स्कैम करके जा चुके हैं, प्रोजेक्ट पहले भी आ चुके हैं, स्कैम करके जा चुके हैं, और जितने रिटर्न देने की बात करते हैं, क्या इतना रिटर्न देना पॉसिबल है? आप खुद कैलकुलेशन कीजिए, 1% डेली देना क्या पॉसिबल है? कोई बैंक, कोई कंपनी आपको दे पा रही है? इनसे ज़्यादा पैसा तो उनके पास पड़ा हुआ है, बैंकों के पास इतना पैसा पड़ा हुआ है वो भी आपको दे सकते थे, लेकिन देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं दे पा रहे हैं। ये कहाँ से देते हैं, सिंपल बता दूँ आपको, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि मेरी बात को हजम करने में टाइम लग सकता है, लेकिन हकीकत ये है, पैसों को ये इकट्ठा करते हैं, ट्रेड वेड भी लेते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हर ट्रेड से प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस भी होता है ट्रेड के अंदर। तो ये क्या करते हैं, जो भी पैसा आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसको होल्ड करके रखते हैं, होल्ड कर लिया जी। एंड जो मेन इनका काम है वो बता रहा हूँ, लगभग सभी कंपनी यही करती है जो इस तरह के प्रोजेक्ट लेकर आती है, ये होल्ड करके रखते हैं, उसमें से ये रिटर्न देना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए अगर जॉइनिंग कम हो रही है, तो ये दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर इनके पास होल्डिंग इकट्ठा होगी, इनको लगेगा कि अब पैसा कम होता जा रहा है, फिर तीसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे, फिर इनके पास होल्डिंग इकट्ठी होगी। यानी आपको लालच भरे प्लान में ये लगाकर रखेंगे। अब पैसा कौन कमाता है इन प्लान से, वो भी क्लियर कर देता हूँ। जो इनके खास होते हैं, इनके टॉप लीडर होते हैं, वो ही पैसा कमाते हैं, वो ही अपना पेआउट दिखा दिखा कर आपकी जेब से पैसा निकलवाएंगे और आपको कंगाल कर देंगे। क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर 90% लोग कुछ नहीं कमाते हैं, बात याद रखना, या तो उनका पैसा फंस जाता है, या उनका पैसा बस ये समझिए आधा ही निकल पाता है। 90% की बात कर रहा हूँ, 10% लोग ही मुश्किल से कमा पाते हैं, 10% कौन है जो टॉप पर बैठे हैं, वही कमाएंगे, क्योंकि वही अपना प्योर दिखाकर आपकी जेब से पैसा निकलवाते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मेरी बात को हजम करने में टाइम लग सकता है, लेकिन हकीकत यही है, कुछ टाइम बाद यह वीडियो शायद आपको याद आए, इसलिए इस वीडियो को सेव भी करके रखना और बार बार देखते भी रहना। यही आपके साथ होने वाला है, नए नए प्रोजेक्ट आते रहेंगे, टोकन का प्राइस अभी आपको पंप दिखेगा, फिर डंपिंग दिखता रहेगा पूरी जिंदगी, और नए नए प्रोजेक्ट के अंदर ये पैसा लगवाते रहेंगे, इनके पास पैसा इकट्ठा होता रहेगा, और लास्ट में फिर ये पैसे लेकर निकल जाएंगे। दोस्तों स्टैम मिंट की तो मैं बात कर ही रहा था, तो स्टैम मिंट के अंदर आपको मूव टू वन, रेफर टू वन, मैचिंग इनकम, लेवल इनकम रिवॉर्ड, अवार्ड्स भी मिलते हैं, मिलते कैसे वो बताते हैं। एंड मूव टू अर्न, यानी आपको डेली बेसिस पे स्टेप कंप्लीट करने हैं, 10,000 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं, एंड अगर आप 10,000 स्टेप कंप्लीट करते हैं तो जो डेली इनकम है वो आपको मिलती रहेगी, जो मैंने आपकी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया डेली बेसिस का जो रिवॉर्ड है। बात करते हैं रेफर टू अर्न की, तो 10% आपको एवरी रेफर करने मिलेगा, जिस भी पैकेज से आप रेफर करोगे उसको 10% आपको मिल जाएगा। बात करते हैं मैचिंग इनकम की, तो जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग लैग होगी एक दिन के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा बिजनेस होगा, और अदर लैग को राइट लैग मान लिया जाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग लैग होगी आपकी उसको लेफ्ट लैग मान लिया जाएगा, फिर दोनों को काउंट कर लिया जाएगा, एंड उसका आपको कितना मैचिंग मिलेगा, 10% मैचिंग इनकम आपको दे दिया जाएगा। एग्जाम्पल भी दे रखा है, मान लीजिए आपकी जो लैग वन है उसमें $10,000 का बिजनेस है, अदर लैग में लैग टू में 5,000 का है, लैग थ्री में 500 का है, लैग फोर में 100 का है, तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो कुल मिला के बात यह दोस्तों, स्ट्रॉन्ग लैग को आपकी लेफ्ट लैग मानी जाएगी, जो अदर लैग होगी उसको राइट लैग माना जाएगा, और उसके हिसाब से ही आपको 10% मैचिंग इनकम दे दी जाएगी, एंड जो भी आपका बिजनेस बचेगा उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है जी। एंड उसके बाद करते हैं रिवॉर्ड्स लेवल इनकम की, जहाँ पर आपको 15 लेवल तक इनकम भी दी जा रही है। ये इनकम कम कैसे मिलेगी, जो भी आपकी टीम होगी, आपके डायरेक्ट मेंबर होंगे, और डेली बेसिस पे जितना भी कमा रहे होंगे उसका आपको परसेंटेज मिलने वाला है। लेवल वन के सभी मेंबर्स जितना भी कमाएंगे उसका 5% आपका, लेवल टू से 4% जो डेली बेसिस पर अर्न करेंगे उसकी बात कर रहा हूँ मैं, एंड लेवल थ्री से 3%, लेवल फोर से 2%। कुछ डेक की कंडीशन भी है, जैसे कि आपको लेवल टू से लेकर लेवल फोर तक आपके 3 डेक्ट्रॉन चाहिए सेम पैकेज, या उससे बड़े पैकेज के, फिर आगे 4 डेक्ट्रॉन लगाने, फिर 5 डेक्ट्रॉन लगाने, चार्ट आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यही काम आपको करना है। तो दोस्तों ये था मिस्टर मिंट का इन्फॉर्मेशन। दोस्तों माफी चाहता हूँ कि सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता है, सच्चाई मैंने आपको बता दिया। प्रोजेक्ट जो उनके प्रोजेक्ट आने वाले हैं, यानी प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, मुझे तो प्रोडक्ट्स बोल लीजिए, प्रोजेक्ट बोल लीजिए, एक ही बात है। इनके जो भी प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको फ्यूचर में मिलेंगे अगर इनको इस कॉन्सेप्ट को चलाना होगा तो, नहीं तो फिर जल्दी भाग जाएंगे। जिनको लंबा चलाना होता है वो नए नए प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स लाते रहते हैं, और आप लोगों से इन्वेस्टमेंट कराते रहते हैं। दूसरा मैंने बताया इनके टोकन के बारे में, टोकन स्टार्टिंग में पंप दिखाई देगा, फिर डंप दिखाई देगा जिंदगी भर, ये बात याद रखना। तीसरा मैंने इनके प्लान के बारे में आपको बताया, जितना भी रिटर्न देने की बात करते हैं कहाँ से देंगे इतना पैसा। अब से पहले ना जाने कितने कॉन्सेप्ट आ चुके हैं जो डेली देने की बात करते थे और आज
उनका अता पता नहीं है। और पैसा कौन कमाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। स्टार्टिंग के लोग पैसा कमा लेंगे, वो गाड़ियाँ भी आपको दिखा देंगे, अपना पेआउट भी दिखा देंगे, फिर आप लालच में आएंगे, अपना पैसा लगाएंगे, फिर बाद में वही होगा जो सभी के साथ होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर लीगल की बात नहीं करी है, उसके बारे में मैं भी आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों यह कॉन्सेप्ट लीगल भी नहीं है, इंडिया के अंदर लीगल नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट इनकी वेबसाइट पे इनके पीडीएफ के अंदर नहीं है। ये लोगों से पैसा ले रहे हैं, अपने सिस्टम के अंदर लगवा रहे हैं, यानी बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस करने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई सरकार को टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, कोई आपका टीडीएस पेड नहीं कर रहे हैं। तो अगर दूसरी साइड भी देखो तो भी ये टोटली इल्लीगल प्लान है। तो दोस्तों ये था मिस्टर मिंट का इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। अगर आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके उसका नाम बताएं, हम उसकी भी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, एंड ऐसे ही वीडियो वॉच करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर दबाएं। थैंक्स।